मिर्ची बायोस्कोप बायोस्कोप। अरे अनूप ने बोल दिया मतलब फाइनल, समझा गया। बॉलीवुड में आए गैंग ऑफ घोस्ट, काफी समय बाद एक ऐसी फिल्म आई जो अय्या जोकर जैसी फिल्मों को टक्कर दे सकती है। एक ऐसी फिल्म जिसे अगर घोस्ट खुद देख लें तो वो फिर से मर जाएं कि ये क्या बना दिया हम पे। रागिनी MMS2 जैसे यहाँ पर बैन हुई ना, काश उसी तरह से इस फिल्म को भी बैन कर देते। मुझे तो फिल्म का ट्रेलर देख के डर लग रहा था, घोस्ट से नहीं फिल्म की सस्ती कॉमेडी से। थिएटर में जो लोग हिम्मत करके आए थे कि फिल्म में शर्मन जोशी, माही गिल, अनुपम खेर, राजपाल यादव, इतने सारे लोग हैं तो थोड़ी तो कॉमेडी होगी, वो बेचारे भी इंटरवल के बाद थिएटर से ऐसे गुल हो गए जैसे मलेशिया का प्लेन। फिल्म के गाने तो फिल्म की कॉमेडी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। एकदम कोमाकेदार गाने थे फिल्म के। दो तीन बार अगर किसी को सुना दो ना तो वो कोमा में जा सकता है। अगर संजय दत्त को भी ये फिल्म दिखा दो ना तो वो बार बार पैरोल लेना बंद कर देगा। उसे इस फिल्म के बाद टाडा की दुनिया बेटर लगेगी। अर्ज किया है, टाइम पास करने को अगर दुनिया में कुछ भी ना बचे मेरे दोस्त, तब भी सोच समझ के जाना ये फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। गैंग ऑफ घोस्ट को टोटल फिल्मी अनूप की तरफ से आधी मिर्ची, 5 में से, वो भी असरानी के गरीब आदमी वाले कैरेक्टर के लिए। मिर्ची बायोस्कोप बायोस्कोप। अरे अनूप ने बोल दिया मतलब फाइनल, समझा गया।